दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड वी डोंट नॉट रिकमेंड यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन आवर प्रिडिक्शंस. प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेज. सो वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू आर चैनल फिनवेस्ट. उम्मीद है आप सभी के ट्रेडिंग डेज अच्छे जा रहे होंगे. अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफी मदद मिलने वाली है अपने ट्रेडिंग स्किल इम्प्रूव करने में और अपने लिए सही स्टॉक्स चुनने में. देखिए, इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक ही रीजन से देख रहे हैं कि आपको प्रॉफिटेबल स्टॉक्स मिलेंगे कि नहीं. तो उसी डाउट को आपका क्लियर करने के लिए मैं पहले रिव्यू बता देता हूं. एक छोटा सा रिव्यू इसको जरूर देखिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो वीडियो चुनी है वो सही है आपके लिए कि नहीं. सबसे पहले हमने स्टॉक आपको दिया था ग्रेसिम. ग्रेसिम में हमारे दो टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे. लेवल्स आपको मिल जाएंगे, आई बटन पर क्लिक करके आपको पता चल जाएगा प्रीवियस वीडियो में हमने क्या लेवल्स दिए थे. यहाँ पे हमारे जो थे दो टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे. अगला स्टॉक था हमारा एलटी में हमारे शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे और काफी अच्छा रिटर्न इसने आपको दिया भी था. एलटी का मैंने लेवल ये ऐसे ही जैसे मैंने चार्ट पे रखा है, ये कल भी मैंने ऐसे ही समझाया था. आई बटन पे क्लिक करके जब आप देखोगे उस वीडियो को, उसमें भी मैंने इसी लेवल से समझाया था और यही दोनों आपको वहाँ पे दिखेंगे. और मैंने कहा भी था इसी लेवल से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा. तो ये था हमारा लूपिन. लूपिन में हमें देखिए, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे ये प्रोवाइड किया था, इसमें हमें ज़्यादा जो है तेजी देखने को मिली नहीं. इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि ये फ्लैट मार्केट पे चला, तो हमें ज़्यादा कुछ इसमें देखने को हमें मिला नहीं. अगला था हमारा अडानी टोटल गैस. इसमें हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिला, 8.16 का रिटर्न हमें इसमें देखने को मिल गया था इजीली. और इसने अपना हाई बनाया 1300 लगभग, समथिंग लमसम मान लीजिए 1300. बाकी आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहीं देता हूँ. लूपिन और ATGL मैंने वहीं दी थी, और ATGL का मतलब अडानी टोटल गैस. डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. हम मॉर्निंग में 400 से 700 के रेंज में स्टॉक भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी मूवमेंट अच्छी होती है, जिनमें जैसे ATGL में थी. जैसे कि ATGL में आपको देखने को मिली आज काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी इसमें और बाई साइड की थी, वैसे स्टॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ. उसमें 90 प्लस पॉइंट तो आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो मिड कैप का स्टॉक है, तो उसमें आपको 25 प्लस तक पॉइंट्स मिल जाते हैं जब मार्केट अच्छा रहता है, और मिनिमम आपको 10 पॉइंट्स तो मिल ही जाते हैं. तो चलिए, ये चार स्टॉक थे. बाकी अगर आपको वो स्टॉक्स भी चाहिए जो मैंने आपके लिए आज प्रोवाइड किए थे, तो 18 May 2021 के लिए भी कुछ लेवल्स हमने आपको सेलेक्ट किए. जैसे तो हेवल्स का आपको चार्ट दिख रहा होगा, ये इस लाइन के ऊपर यानी कि ये 1038 के ऊपर जाते ही आपको अच्छा जो है ब्रेकआउट देने वाला है. अच्छा ब्रेकआउट होता ही आपका जो है लेवल्स काफ़ी अच्छा आपको मूवमेंट दे देगा. दो टारगेट वाइज तो कम से कम ये अचीव करेगा जो हमने आपके लिए निकाले हैं. बाकी शॉर्ट सेलिंग का जो लेवल बन रहा है हमारा 1025 का बन रहा है. अब यही चार्ट याद रखिएगा, ये जो मैंने लाइन खींची है इसको याद रखिएगा. कल की वीडियो में मैं इसी से कंटिन्यू करूँगा आगे. तो हेवल्स के जो मेरे लेवल होने वाले थे कि सबसे पहले पॉसिबल कंडीशंस क्या हो सकती है. देखिए, मार्केट अगर अब खुलता है, ठीक है, मार्केट मान लीजिए अगर यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद अगर ये पहला लेवल ब्रेकआउट करता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं, इजीली बाय कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ आपको प्रिकॉशन क्या लेने हैं कि जो हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस होगा उस पर आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है जैसे आपका पहला टारगेट प्राइस अचीव होगा. जैसे स्टॉक गैप अप ओपन होता है तो वेट करेंगे 11 AM तक उसके गैप रिफिल होने का. गैप रिफिल कैसे होगा, जैसे मान लीजिए ये ऊपर से नीचे आएगा तो इसका जो है बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पे भी 5 मिनट का होल्ड लेना बहुत जरूरी है. दूसरी चीज़, जब ये गैप रिफिल करके यहाँ से डाउन आ रहा होगा तो इस टाइम पे ये लेवल बहुत बार ब्रेकआउट करेगा, यानी कि कंटिन्यूसली अप एंड डाउन अगर ये करेगा तो ये बहुत बार लेवल ब्रेकआउट होगा. इस टाइम पे आपको लेवल ब्रेकआउट छोड़ना है. जब ये बाइस और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में 5 मिनट का होल्ड लेके आ जाएगा तब दोबारा लेवल ब्रेकआउट करेगा, तब आप इसे बाय करेंगे. सेम चीज़ शॉर्ट सेलिंग के साइड है. तो हेवल्स का जो हमारा लेवल होने वाला है वो मैंने आपको बताया 1038 का होने वाला है, यानी कि 1039 समथिंग पे आप इसे बाय करके चलेंगे. टारगेट रखा 1043 1050 1058 का, और आखिरी जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1028 का. 1028 मान के चलिए 1027 पे आप लगाएंगे अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा. इस लेवल से नीचे ही लगाना है आपको अपना स्टॉप लॉस. माइंड में रख रहे हैं तो माइंड में रख के भी चलेंगे, और स्टॉप लॉस का शिफ्ट करना है फर्स्ट टारगेट प्राइस में जैसे ही आपका टारगेट प्राइस अचीव हो जाए. शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 1025 का, यानी कि 1024 पे मोस्ट प्रोबेबली आप इससे शॉर्ट करेंगे. टारगेट रखा 1020 1012 1005 का. टारगेट जो जैसे ही आपका अचीव हो जाएगा वैसे ही अपना स्टॉप लॉस जो कि होने वाला है 1035 का, 1036 पे मोस्ट प्रोबेबली आप इसे रखोगे, इसे सीधा शिफ्ट करोगे 1020 पे. आप देखोगे नहीं, कुछ भी नहीं देखोगे, सीधा पहला टारगेट प्राइस अचीव होते शिफ्ट करना है. कभी कभार ऐसा हो सकता है स्टॉक एकदम से डाउन हो जाए, और आजकल जो है मार्केट में ऐसा ही हो रहा है कि जो दूसरे साइड की जो मूवमेंट देने वाला होता है स्टॉक, यानी कि पहले तो निफ्टी के अपोजिट बहुत सारे स्टॉक जो है वर्क कर रहे हैं.
जब स्टॉक अगर एक बार आपका बाइंग प्राइस ट्रिगर हो गया तो आपको ये बात रखना है, या तो आप बाइंग प्राइस पे लाइए, लेकिन बाइंग प्राइस पे लाके आपका कोई फायदा नहीं है। अगर स्टॉक डाउन आने वाला होगा तो जीरो जीरो, मतलब कि आपका कुछ लॉस भी नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, प्लस आपको ब्रोकरेज जाना होगा। तो आप फर्स्ट टारगेट प्राइस पर रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। अगर ये डाउन आता है दोबारा से, आपका बाइंग प्राइस जो है ट्रिगर होता है, तो दोबारा आप बाई कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा अडानी ट्रांजिस्टर बाई करके चलेंगे 1213 पे, शॉर्ट सेलिंग का लेवल होने वाला है 1137 का। अडानी ट्रांसमिशन का मैंने आपके लिए चार्ट खोल दिया है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, अपर सर्किट का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप ट्रेड ले रहे होंगे उससे पहले देख लीजिएगा, जब अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे होंगे उस टाइम पे जरूर देख लीजिएगा कि इसका अपर सर्किट क्या है और लोअर सर्किट क्या है। दोनों साइज की सर्किट देखते हुए आप आगे बढ़िएगा। बाकी इसका लेवल ये यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा कल, यहाँ देखिए 1213 पे, और जो शॉर्ट सेलिंग का लेवल है 1186 पे, यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे। यही चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ही हमारे जो है ये जो दो लेवल मैंने बताए हैं, इसके जाते ही ये अच्छा आपको मूवमेंट देने वाला है, इसके नीचे आते ही अच्छा मूवमेंट ये आपको दे देगा। वो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ना भी दे तो अपना स्टॉप लॉस अगर आप शिफ्ट करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। अडानी ट्रांस का टारगेट रहने वाला है आपका 1219 का, 1230, 1242 स्टॉप लॉस रहने वाला है 1198 का। 1197 पे मोस्ट प्रॉब्ली आप इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि इस लेवल से नीचे आते ही आप अपना स्टॉप लॉस हिटवाने के डेट से बाहर आएंगे। शॉर्ट सेलिंग का लेवल 1187, टारगेट रहेगा 1180, 1170, 1160, स्टॉप लॉस रहेगा 1202 का। मोस्ट प्रॉब्ली 1203 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर यहाँ तक आप आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।